रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर। होस्ट करना काम बहुत मुश्किल है, एक पांच मिनट जुना के कोई भी निकल जाए, बार बार सुनाना मुश्किल काम है। तो मैं भी एक बार हरियाणा शो करने चला गया, तो वहां साले बड़े बदतमीज क्राउड, ठीक है। एक बंदा शेर सुना रहा कि तपती धूप में देखो बर्फ निकल गई, वहां से एक हरियाणी कहता है जिससे तूने प्यार किया वो मेरी बीवी निकल गई। अब है मतलब उससे मजे ले रहे हैं, तो मेरी फट रही। मैंने कहा मैं परफॉर्म करने जाऊंगा, मुझसे मजे लेंगे। तो मैंने जाते क्या कहा, मैंने हेलो गाइज क्या आप लोगों ने मुझे पहचाना, तो हरियाणी बोला नहीं। मैंने कहा होता है कहीं अपने बाप को नहीं पहचानते। उसके बाद उस हरियाणी ने मुझे इतना मारा कि मैं अपने बाप को नहीं पहचान पाया। तो गाइज लाइफ में पता क्या है, लाइफ में मैंने देखी मिल्खा सिंह की बायोग्राफी, मैंने देखी सचिन की बायोग्राफी, मैंने देखी धोनी की बायोग्राफी, लेकिन मज़ा मुझे पोर्नोग्राफी में ही आया। क्योंकि ना मुझे लगता सरकार भी कहीं ना इस ठरकपने को प्रमोट कर रही है। क्योंकि वो पद्मावती बैन करती है लेकिन रागनी MMS और हॉन्टेड 3D बैन नहीं करती, क्योंकि उसे ना पब्लिक को दो चीज़ें बतानी है, एक तो भूत और दूसरा। और पता क्या, जब ये रिलायंस कंपनी आई ना, इसने इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी भी टैगलाइन थी कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्योंकि ये भी जानती थी इंटरनेट आने के बाद लड़कों की दुनिया मुट्ठी में ही होने वाली है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे पापा और मेरी बिल्कुल बनती नहीं है, ठीक है। उनको लगता है उनका बेटा हूँ ही नहीं, ठीक है। तो एक दिन मेरे से कह रहा कि यार संदीप मुझे ना उस रात को सो जाना चाहिए था। मैंने कहा किस रात को पापा, कहता सुहाग रात को। मैंने कहा ऐसे क्यों पापा, कह रहे यार तू मेरा बेटा है ही नहीं असल में। कह रहे जिस दिन तू पैदा हुआ ना तो डॉक्टर डिलीवरी के बाहर यूं खड़ा था। मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ है, कह रहा वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तो उन्हें कहा बहुत गंदा मजाक हुआ, अंदर जाके देख लो। तो पापा आए, मुझे देखा बेंच, दादाजी आए ओ बेंच, पड़ोसी आया ये तो मुझ पे गया बेंच। तो भाई अलग ही साहब, ठीक है। मतलब लाइफ में इतनी, मैंने कहा यार लाइफ में सीरियस होना है कुछ, लाइफ में सीरियस होना क्या करूँ। तो मैं एक दोस्त के पास गया, मैंने कहा भाई लाइफ में सीरियस होना क्या करूँ, वो लाइफ में बहुत सीरियस है, उससे पूछो ना तुमने दिन भर क्या किया, वो कहता अफसोस किया। तो मैंने कहा भाई लाइफ में सीरियस होना क्या करूँ, कह रहा लड़की पटा ले। मैंने सीरियस हो जाऊँगा, कह रहा नस काट लेगा भाई। तो मैं लड़की पटाने निकला, लेकिन यार मैं लड़की के मामले बड़ा स्लो, क्योंकि जब लड़कियाँ फेसबुक पे थी ना तो मैं गलियों में कंचे खेल रहा था। फिर मैं फेसबुक पे गया, लड़कियाँ ट्विटर पे गई, मैं ट्विटर पे गया, लड़कियाँ इंस्टा पे गई। मैंने कहा बहन चो लड़की है कि सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रही, जनरल वालों के साथ यहाँ भी धोखा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ना फेसबुक आईडी आधार कार्ड से लिंक करा दिया। तो फिर भी लड़की नहीं मिली। तो फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने भाई लड़कियाँ हैं कहाँ, कह रहा गुरु एक काम करो टिंडर पे जाओ। मैंने भाई टिंडर गया है, कह रहा बहुत कमाल की जगह है, यहाँ पे वो लंबा प्रोसीजर नहीं है, दोस्ती जान पहचान प्यार शादी सेक्स यहाँ पे है सीधा सेक्स। मैंने कहा अच्छा, तो मैं टिंडर पे गया, तब तक लड़कियाँ सावधान इंडिया पे जा चुकी थी। पता नहीं भाई तू क्या दिखाते हैं सावधान इंडिया पे, मैं लड़कियों के पास जाता हूँ ना तो जेब से लाल मिर्च निकाल लेती हैं, एक ने तो हनुमान चालीसा निकाल ली। मैंने पूछा ये क्या बेंचो, कहती है मैं ना सावधान इंडिया के साथ फेयर फाइल्स भी देखती हूँ। थैंक यू सो मच। वॉच द लेटेस्ट कॉमेडी म्यूजिक एंड पोएट्री वीडियोस ओनली ऑन नोजोटो ऐप, डाउनलोड द ऐप नाउ।